हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीस ऑनलाइन लर्निंग। आज के इस वीडियो में सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर वन जनरल स्टडीज़ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कुषाण गंधार कला शैली, दूसरा है मुगल अजंता चित्रकारी, तीसरा है मराठा पहाड़ी चित्र शैली, चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता, चित्रित धूसर मृद्भांड। तो इसमें सुमेलित कौन सा हो रहा है? तो कुषाण गंगाधर कला, ये है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है नंदवंश, दूसरा सुगवंश, तीसरा मौर्य वंश, चौथा है हर्यक वंश। इसमें उत्तर जो है निम्न कूटों में से चुनिए बोल रहे हैं। जैसे पहला कूट दिया है इसमें 2, 1, 4 एंड 3, और सेकंड दिया गया है 4, 1, 3 एंड 2, और थर्ड दिया गया है 3, 2, 1 एंड 4, और फोर्थ में दिया गया है 1, 3, 4 एंड 2। तो इसमें होगा, पहला होगा हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद होगा शुंग वंश। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो इसमें पहला है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, दूसरा है उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, तीसरा है उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो इसमें भी कूट दिया गया है, तो पहला है इसमें 1, 2 और 3 सही है, दूसरा है 1 और 2 सही है, तीसरा 1 और 3 सही है, चौथा में दिया गया है 2 और 3 सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा जो कथन है वह सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन नंबर नहीं दूसरा और तीसरा नहीं पहला और तीसरा इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 राजवंश, सूची 2 राजधानी को कूट के आधार पर मिलाइए। सूची 1 सूची 2, तो इसमें पहला दिया गया है सूची 1 में प्रतिहार, सूची 2 में दिया गया है तंजौर, फिर सेकंड में दिया गया है चोल और अहिलवाड़, तीसरा में है परमार और धारा, चौथा में है सोलंकी और कन्नौज। तो इसको सुमेलित करना है सूची 1 और 2 को। तो पहला का होगा प्रतिहार का होगा कन्नौज, और दूसरा का होगा चौल का तंजौर, और परमार का होगा धारा, और सोलंकी का होगा अहिलवाड़। तो ये कौन से कूट में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया गया है उसने नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, दूसरा उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, तीसरा है उसने तुर्कान ए चहल गानी का प्रभाव समाप्त किया, चौथा है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? पहला ऑप्शन है हरिहर प्रथम, दूसरा है बुक्का प्रथम, तीसरा है कृष्ण देव राय, चौथा है सालुप नरसिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुक्का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है घाघरा का युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चौसा का युद्ध, चौथा है सामूगढ़ का युद्ध। तो इसमें पहले हमें आ जाएगा खानवा का युद्ध, उसके बाद होगा घाघरा का युद्ध, उसके बाद चौसा होगा, और उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। कथन में है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। इसका कारण दिया है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। इसमें पहला है कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है कथन सही है परंतु कारण गलत है।
चौथा ऑप्शन है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक मुगल शासक और सूची दो में दिया गया है मकबरे का स्थान, तो इन दोनों को मिलाना है। तो बाबर दिया है और दिल्ली दिया है, सेकंड में दिया है हुमायूं और काबुल, थर्ड में अकबर और लाहौर, तीसरा में है चौथा में है जहांगीर और सिकंदरा। सिकंदरा तो इसका होगा बाबर का होगा काबुल और हुमायूं का होगा दिल्ली और अकबर का होगा सिकंदरा और चौथा जहांगीर का होगा लाहौर। तो ये कौन से कूट में ऑप्शन नंबर टू में दिया है, तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना, पहला है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, दूसरा है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, तीसरा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो इसमें भी ऑप्शन दिया गया, पहला में है एक और दो और तीन सही है, दूसरा ऑप्शन में है एक और दो सही है, तीसरा ऑप्शन है एक और तीन सही है, चौथा ऑप्शन है दो और तीन सही है। तो इसका जो राइट आंसर में दिया गया है एक और दो और तीन, ये जो तीनों ही कथन है वह सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है दांडी यात्रा, दूसरा शिमला समझौता, तीसरा है तिलक की मृत्यु, चौथा है चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें इसको व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार, तो सबसे पहले आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद होगा तिलक की मृत्यु, उसके बाद होगा दांडी यात्रा, उसके बाद होगा शिमला समझौता। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है। तो इसमें पहला दिया है लॉर्ड कर्नवालिस और रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली और स्थायी बंदोबस्त, तीसरा है लॉर्ड एलनब्रो और सिंह सिंध का विलय, चौथा है लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो इसमें सुमेलित कौन सी जोड़ी है पूछा गया है, तो लॉर्ड कर्नवालिस और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये सुमेलित है और फोर्थ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है। तो पहला है लोकटक मणिपुर, दूसरा है उदय सागर और आंध्र प्रदेश, तीसरा है डिडवाना हरियाणा, चौथा है कोलेरू और उड़ीसा। तो इसमें पहला लोककट मणिपुर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक में बांध परियोजना दिया गया है और सूची दो में राज्य दिया गया है, तो इसको सम्मिलित करना है। तो इसमें पहला में है रिहंद, दूसरा उड़ीसा और दूसरा में है उकाई और महाराष्ट्र, तीसरा में है हीराकुंड उत्तर प्रदेश, चौथा में है कोयना और गुजरात। तो रिहंद का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उकाई का हो जाएगा गुजरात और हीराकुंड का हो जाएगा उड़ीसा और कोयना का हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है ये वाला कूट, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक में दिया गया है नदी घाटी योजना और सूची दो में दिया गया है नदी। तो यहाँ पे शिवनाथ पहला में है शिव समुद्रम और ये है भागीरथी, दूसरा में है नागार्जुन सागर कावेरी, तीसरा में है जायकवाड़ी गोदावरी और चौथा में है टेहरी कृष्णा। तो इसको भी सुमेलित करना है, तो इसमें शिव समुद्रम का हो जाएगा कावेरी, नागार्जुन सागर का हो जाएगा नागार्जुन सागर कृष्णा और जायकवाड़ी का हो जाएगा गोदावरी, हाँ गोदावरी और टेहरी का हो जाएगा भागीरथी। तो ये कौन से कूट में दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण बताया गया है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो अब इसका ऑप्शन दिया गया है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता, तीसरा है कथन सही है परंतु कारण गलत है,
चौथा है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो ये इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कथन और कारण दोनों सही है तथा तो कारण जो है वो करण कथन को सही स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो से कूट के आधार पर सम्मिलित कीजिए। सूची एक में पहला में है ध्रुव तारा, उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण, और दूसरा में है ध्वनि पृथ्वी ध्वनि, तीसरा है ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर, चौथा में है विस्फोट और उत्तर। तो इसको सुमेलित करना है तो ध्रुव तारा का हो जाएगा उत्तर, और पृथ्वी का हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रीनलैंड का हो जाएगा आर्कटिक महासागर, और विस्फोट का हो जाएगा ध्वनि। तो ये कौन से कूट में है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन पहला है मैक्सिको, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है मीरा, चौथा है मंगोलिया। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? पहला है जी आस्टिन, दूसरा है केसी वियर, तीसरा है सर आइवर जेनिक्स और चौथा है डीडी बसु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जी आस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन दिया गया है, पहला 42वां संशोधन विधेयक, दूसरा है 56वां संशोधन विधेयक, तीसरा है 73वां संशोधन विधेयक और चौथा है 58वां संशोधन विधेयक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 42वां संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण बताया गया है, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। इसमें पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है कथन कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है, और तीसरा ऑप्शन है कथन सही है परंतु कारण गलत है, चौथा ऑप्शन है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा कथन जो सही है परंतु इसका जो कारण बताया गया है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? इसमें पहला दिया गया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, दूसरा है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, तीसरा है संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और चौथा है महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? पहला ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, दूसरा ऑप्शन है शीतलवाड़ समिति, तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति और चौथा है हनुमंथैया समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है यहाँ पे भारत में 1999 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, दूसरा है विदेशी मुद्रा बाजार एवं विदेशी निवेशों क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया, और तीसरा दिया गया है विदेशी वस्तुओं के यातायात को प्रतिबंध से मुक्त किया गया। तो इसका जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला में है 1, 2 और 3 सही है, दूसरा में है 1 और 2 सही है, तीसरा में 1 और 3 सही है, चौथा में है 2 और 3 सही है। तो इसमें जो है कथन 1 गलत है, कथन नहीं, कथन 1 सही होगा इसका, कथन 2 भी सही है, कथन 3 इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ, भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे?
ऑप्शन पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा है सीटी देशमुख, चौथा है पीसी महालनीस। महालनवीस। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, पीसी महालनवीस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत और भारी उद्योग है। दूसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक है। तीसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 1, 2 और 3 सही है। दूसरा में बताया गया है 1 और 2 सही है। तीसरा में 1 और 3 सही है। चौथा ऑप्शन है 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है और तीसरा कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पहला और तीसरा सही है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है, पहला भुगतान संतुलन, दूसरा बैंक गारंटी, तीसरा है अमानत राशि और चौथा है नगद आरक्षित अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नगद अनारक्षित आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है स्पेक्ट्रोमीटर, तीसरा है चौथा है यूडियोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है बार, दूसरा है नाट, तीसरा जूल और चौथा है ओम। पहला बार, दूसरा नाट, तीसरा जूल, चौथा ओम। तो इसमें जो है पारिस्थितिक दबाव की इकाई को नापने के लिए बार का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक वैज्ञानिक सूची दो आविष्कार को कोट के आधार पर मिलाइए। तो सूची 1 में है रदरफोर्ड पावर लूम, 2 में है अल्फ्रेड नोबल टेलीफोन, तीसरा में है कार्टराइट डायनामाइट, चौथा में है ग्राहम बेल एटम बम। तो इसमें पहले इसको सुमेलित करना है, तो पहला रदरफोर्ड का हो जाएगा डायनामाइट, नहीं रदरफोर्ड का हो जाएगा एटम बम, और अल्फ्रेड का हो जाएगा डायनामाइट, और कार्टराइट का हो जाएगा पावर लूम, और ग्राहम बेल का हो जाएगा टेलीफोन। तो इसका कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है इन्वर्टर, दूसरा ट्रांसफार्मर, तीसरा ट्रांसमीटर, चौथा है रेक्टिफायर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 रेक्टिफायर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन 4 कथन दिया गया है, उसमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो पहला है जॉन हॉपकिंस होम्योपैथी के संस्थापक थे, दूसरा है विकास का सिद्धांत आइजेक न्यूटन ने प्रतिपादित किया, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है, चौथा है वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की। तो इसमें जो है ऑप्शन कथन ये जो है गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है क्योंकि। पहला ऑप्शन है वाष्प एक गैस होती है, दूसरा ऑप्शन है वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, तीसरा ऑप्शन है वाष्प अधिक ज्वलनशील होता है, चौथा ऑप्शन है वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, दूसरा है समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक है, तीसरा है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। तो इसमें इसको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन में 1 और 2 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन में 1 और 2 सही है, तीसरा में 1 और 3 सही है, और चौथा में 2 और 3 सही है। तो इसमें कथन प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, ये इसका ये कथन सही है।
समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये भी कथन सही है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है, ये जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है, इसमें ऑप्शन दिया गया है 0.007 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर टू में है 0.7 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर थ्री में है 0.07 मिलीमीटर, और ऑप्शन नंबर फोर में है और 0.0007 मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.007 मिलीमीटर। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है, सभी कंप्यूटर मोडेम है, इसमें निष्कर्ष दिया गया है सभी माइक्रो प्रोसेसर मोडेम है, सभी मोडेम माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसमें इसका ऑप्शन बताया गया है, निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष दो सही है, निष्कर्ष एक और दो सही है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो इसमें सभी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है, सभी कंप्यूटर मोडेम है, तो सभी माइक्रो प्रोसेसर मोडेम है, ये जो है निष्कर्ष पहला सही है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एपल छोड़ा गया, पहला है 27 फरवरी 1982 को, दूसरा है 18 सितंबर 1981, तीसरा है 19 जून 1981, चौथा है 25 दिसंबर 1981। तो ये प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एपल 19 जून 1981 को छोड़ा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 19 जून 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है, ऑप्शन पहला है क्रोमियम निकिल लोहा, ऑप्शन दूसरा है निकिल लोहा कार्बन, ऑप्शन तीसरा में है लोहा कार्बन और तांबा, ऑप्शन चौथा में है लोहा क्रोमियम और कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील में लोहा क्रोमियम और कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑप्शन दिया गया है पहला देवगढ़, दूसरा बदरगढ़, तीसरा लाफागढ़, चौथा रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अभयारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है, तो इसमें पहला है पामेड़ दंतेवाड़ा, दूसरा है बादलखोल जसपुर, तीसरा है गोमर्दा रायगढ़, चौथा है उदंती सरगुजा। तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो उदंती और सरगुजा जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है, तो कथन में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसका कारण दिया गया है यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक है। अब इसका ऑप्शन दिया गया है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है, तीसरा है कथन सही है परंतु कारण गलत है, चौथा है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें भी कथन और कारण दिया गया है, कथन में महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, इसका कारण है पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है, ऑप्शन दिया गया है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, ऑप्शन टू में है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता, तीसरा में है कथन सही है परंतु कारण गलत है, और चौथा में है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें कथन सही है लेकिन जो इसका जो कारण बताया गया है वह गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है, पहला है रविशंकर जलाशय, दूसरा है कोडार जलाशय, तीसरा है मिनी माता जलाशय, चौथा है सोंढूर जलाशय। तो
छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय है मिनी माता जलाशय, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है रायगढ़, दूसरा में है दंतेवाड़ा, तीसरा है कोरबा, चौथा है भिलाई। तो छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है रायगढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है आर्कियन और कड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है धारवाड़ और दक्कन, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी और निचली गोंडवाना, चौथा ऑप्शन है ग्रेनाइट और लेटेराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियन और कड़प्पा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है और निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपए मिले, कितनी बार उसका निशाना चूका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रमेश का पिता है, देववती राम की सास है, देववती की माता वसुंधरा है जिसका पति हरीश है। तो रमेश का हरीश से क्या संबंध है? ऑप्शन दिया गया है रमेश हरीश का नाती है, दूसरा ऑप्शन है हरीश रमेश का पर नाना है, तीसरा ऑप्शन है रमेश हरीश का भतीजा है, चौथा ऑप्शन है रमेश का हरीश से कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हरीश रमेश का पर नाना है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में COULD को BNTKC और MARGIN को LNQFHM के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में MOULDING किस प्रकार लिखा जाएगा? इसको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पहला ऑप्शन में है LNTKCHMF, दूसरा ऑप्शन में है CNFCNMFINTK, तीसरा ऑप्शन में है LNKTCHMF, चौथा ऑप्शन में है NITKHCMP। तो इसमें पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला 35 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 45 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 55 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 65 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर दिया गया है 45 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया, राम ने मोहन से पहले किंतु गोपाल के बाद दौड़ पूरी की। तो किशन ने आकाश से पहले किंतु मोहन के बाद दौड़ पूरी की, तो दौड़ में किसने जीती? ऑप्शन दिया गया है, पहला राम, दूसरा किशन, तीसरा मोहन, चौथा गोपाल। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है रेलगाड़ी से, दूसरा है दवाइयों से, तीसरा डाक टिकटों से, चौथा पशुपालन से। तो फिलाटेलिस्ट का संबंध जो है डाक टिकटों से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि पेंट को 74128 तथा एक्सेल को 93596 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो एक्सेप्ट को कैसे कूटबद्ध करेंगे? ऑप्शन में दिया गया है, पहला 55497 8, दूसरा में है 54778 और तीसरा ऑप्शन में है 45598 और चौथा ऑप्शन में है 735981। तो इसका राइट आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3, 45598 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन कौन संख्या सही नहीं है? तो इसमें 1236, 2346, 3456, 4566 और 5686। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2346, दूसरा है 4556, तीसरा है 4566, चौथा है 5686।
तो इसमें श्रृंखला में से कौन सा जो है सही नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में इसका सही आंसर नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी है जिनकी औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, बाद में 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 10 विद्यार्थी उस सदस्य को राइट आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। ऑप्शन पहला है 150, दूसरा में है 180, तीसरा में है 200, चौथा में है 210। तो इसका राइट आंसर लिया गया है 180 को ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा अपनी पत्नी को, बाकी बचा संपत्ति का आधा अपने पुत्र को और बाकी बची संपत्ति की एक तिहाई अपनी पुत्री को दिया। तो यदि उसकी पुत्री को ₹1,25,000 मिले तो उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी। ऑप्शन दिया गया है, पहला 15 लाख रुपए, दूसरा में है 18 लाख रुपए, तीसरा में है 20 लाख रुपए और चौथा में है 22 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक व्यापारी को अपनी वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, यदि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। ऑप्शन पहला है 600 रुपए, ऑप्शन दूसरा है 650 रुपए, ऑप्शन तीसरा है 720 रुपए, ऑप्शन चौथा है 750 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 को, 720 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 मीटर और 20 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1 मिनट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 3 मिनट, चौथा ऑप्शन है 4 मिनट। तो इसका राइट आंसर लिया गया है 4 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ए और बी के मूल वेतन भिन्न है परंतु तो उनका कुल वेतन बराबर है, तो उनके भत्ते उनके मूल वेतनों के क्रमशः 65% तथा 80% है, उनके मूल वेतनों का अनुपात क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 13:16, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 8:9, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 12:11, चौथा ऑप्शन में दिया गया है 80:65। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 12:11 को लिया गया है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन दिया गया है, सभी सांख्यिकीय मापों के माध्य संभवतः सबसे अधिक, इसका कारण दिया गया है, यह वह आधार है जिससे अनेक इतर महत्वपूर्ण मापों की संगणना की जाती है। तो इसमें कथन पहला ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता, तीसरा ऑप्शन है कथन सही है परंतु कारण गलत है, चौथा ऑप्शन है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर दिया गया है कथन और कारण दोनों सही है तथा करण कथन को स्पष्ट करता है, कारण कथन को स्पष्ट करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य और माध्यिका की गणना कीजिए, तो वेतन रुपए में करना है यहाँ पे, 50 रुपए में दिया गया है, 50, 70, 90, 110, 130, 150, कर्मचारियों की संख्या है यहाँ पे 30, 40, 65, 85, 95 और 100। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 को, इसका राइट आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई दिया गया है यहाँ पर, व्यक्तियों की ऊंचाई और व्यक्तियों की संख्या दी गई है। तो इसमें ऑप्शन पहला में दिया गया है 165 सेंटीमीटर, दूसरा में है 170 सेंटीमीटर, तीसरा में 175 सेंटीमीटर, चौथा में है 180 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4, 180 सेंटीमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए, वर्ग इसका वर्ग और आवृत्ति दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन में दिया गया है 25.71, दूसरा ऑप्शन में 24.46, तीसरा ऑप्शन में 23.89, चौथा ऑप्शन में है 22.36। तो इसमें इसका राइट आंसर 23.89 को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका और बहुलक की गणना कीजिए, इसमें भी माध्यिका और बहुलक निकालना है, तो
तो इसमें भी समूह दिया गया है 10 20 30 40 50 60, संचयी आवृत्ति दिया गया है 5 26 70 90 98 100। फिर यहाँ पे इसमें इसका माध्यिका और बहुलक निकालना है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है एम इज इक्वल टू 26, दूसरा है जेड इज इक्वल टू 25.38, दूसरा नहीं पहला ऑप्शन है एम इज इक्वल टू 26, दूसरा है जेड इज इक्वल टू 25.38, और दूसरा ऑप्शन है एम इज इक्वल टू 25 और जेड इज इक्वल टू 23.76, तीसरा ऑप्शन है एम इज इक्वल टू 24, जेड इज इक्वल टू 21.65, और चौथा ऑप्शन में एम इज इक्वल टू 23, जेड इज इक्वल टू 20.44। तो इसमें पहला ऑप्शन इस करेक्ट आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने के लिए एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है? पहला है यहाँ पे 0.5 किलोमीटर, दूसरा है 1 किलोमीटर, तीसरा है 1.5 किलोमीटर, चौथा है 2 किलोमीटर। इसका राइट आंसर लिया गया है 1 किलोमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 1,132 रुपये, 1,140 रुपये, 1,144 रुपये, 1,136 रुपये तथा 1,148 रुपये है। इनका समांतर माध्य क्या है? तो यहाँ पे समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा कि इसका आंसर निकालना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर दिया गया 1,140 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 40 मेजे औसत मूल्य प्रति मेज 88 रुपये में खरीदी, उसने अन्य 20 मेजे और औसत मूल्य प्रति मेज 106 में खरीदी, तो सभी मेजों का माध्य मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य का फॉर्मूला लगा कि इसका आंसर निकालना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 को इसका राइट आंसर लिया गया है 94 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन दिया गया है, पहला, यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग बीज का मूल्य माध्यिका होगा। दूसरा है, अपूर्ण तथ्यों के बावजूद भी माध्यिका मूल्य सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा है, माध्यिका से बीज गणितीय विश्लेषण संभव है। इसका ऑप्शन दिया गया है 1 2 और 3 सही है, फिर सेकंड ऑप्शन है 1 2 सही है, फिर थर्ड ऑप्शन है 1 और 3 सही है, फोर्थ ऑप्शन है 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर दिया गया है कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, बीजिंग ओलंपिक में अमेरिका के माइकल फेलप्स ने तैराकी में रिकॉर्ड 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। दूसरा है कथन, यहाँ पर माइकल फेलप्स ने एथेंस ओलंपिक में तैराकी में 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तीसरा कथन है, बीजिंग ओलंपिक में अमेरिका ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया। इसको ऑप्शन दिया गया है 1 2 और 3 सही है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 सही है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1 और 3 सही है, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर जो है कथन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन दिया गया है, कथन है, 10 अक्टूबर 2008 को भारत और संयुक्त राज्य ने 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका कारण दिया गया है, इस समझौते की घोषणा दोनों देशों के नेताओं द्वारा 20 जुलाई 2007 को की गई। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण इस कथन को स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है कथन सही है परंतु कारण गलत है। चौथा ऑप्शन है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथन सही है परंतु इसका जो कारण दिया गया है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? ऑप्शन दिया गया है 27 जून 2008, ऑप्शन सेकंड में 27 मई 2008, और ऑप्शन थर्ड में है 27 जून 2008 और 26 जून 2008, और ऑप्शन फोर्थ में है 26 मई 2008। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 मई 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी उद्योगपति से सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित करना है, जो सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन पहला दिया गया है रिलायंस मुकेश अंबानी, ये सुमेलित है, और विप्रो आर कृष्णमूर्ति ये सुमेलित नहीं है, और तीसरा ऑप्शन में एयरटेल भारती मित्तल ये भी सुमेलित है, और चौथा में है नैनो का रतन टाटा ये भी सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु तो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अंत्योदय कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तीसरा ऑप्शन है 15 सूत्रीय कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो ये भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु तो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को 15 सूत्रीय कार्यक्रम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन पहला है जया मारी गुस्ताव ली क्लेजियो, दूसरा ऑप्शन है वीसी नायपाल, तीसरा है हेनरी किसिंजर और चौथा है जयापाल सार्त्र। तो इसमें पहला ऑप्शन को सही आंसर दिया गया है, जया मारी गुस्ताव ली क्लेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर से परमाणु आपूर्ति प्रतिबंध हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन दिया गया है, पहला कथन है परमाणु आपूर्ति समूह देशों ने वियना में आयोजित बैठक में प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इस संबंध में निर्णय लिया गया, तीसरा है भारत ने फ्रांस के साथ परमाणु आपूर्ति संबंधी करार किया, चौथा है संयुक्त राज्य के कांग्रेस ने भारत को परमाणु आपूर्ति संबंधी अधिनियम पारित किया। तो इसका ऑप्शन, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इस संबंध में निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीर्तिमान सचिन तेंदुलकर के साथ संबंधित नहीं है? पहला है टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रत्न, और दूसरा है एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रत्न, तीसरा है एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक शतक और चौथा है टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2006 में जर्मनी में आयोजित फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मैच में इटली ने किस देश को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर, पहला इसका ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है अर्जेंटीना, चौथा है ब्राजील। तो इसका राइट आंसर फ्रांस को लिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, दूसरा है 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का आयोजन होता है, तीसरा है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसमें इसका ऑप्शन दिया गया है 1, 2 और 3 सही है, फिर सेकंड ऑप्शन है 1 और 2 सही है, फिर थर्ड ऑप्शन है 1 और 3 सही है, और फोर्थ ऑप्शन है 2 और 3 सही है। तो इसमें जो कथन है प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये सही है, और दूसरा है 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का आयोजन, ये गलत है, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? ऑप्शन पहला है पोलैंड और जर्मनी, ऑप्शन दूसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन तीसरा है भारत और तिब्बत, ऑप्शन चौथा में दिया गया है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र और राजधानी सुमेलित नहीं है? तो पहला है चिली सेंटियागो, दूसरा है अर्जेंटीना ब्यूनर्स आयरस, तीसरा है उत्तर कोरिया सियोल, चौथा है इथियोपिया अदिस अबाबा। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो उत्तर कोरिया और सियोल जो है सुमेलित नहीं है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक में देश दिया गया है, सूची दो में है मुद्रा दिया गया है, इन दोनों को सुमेलित करना है। तो इसमें पहला में है मेक्सिको येन, दूसरा में है ऑस्ट्रिया पेसो, तीसरा में है जापान रियाल, चौथा में है सऊदी अरब और सिली। तो इसको सुमेलित करना है, तो मेक्सिको का हो जाएगा पेसो, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा सिलिंग, और जापान का हो जाएगा येन, और सऊदी अरब का हो जाएगा रियाल। तो यह कौन से में दिया गया है? ऑप्शन नंबर टू में दिया गया है, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी
सुमेलित नहीं है पूछा गया है, इसमें देश और राजधानी का जोड़ दिया गया है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो पहला में दिया गया है चीन और बीजिंग, दूसरा में है जापान और क्योटो, और तीसरा में है ऑस्ट्रिया और वियना, और तीसरा चौथा में है स्पेन और मैड्रिड। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो जापान और टोक्यो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक में कप दिया गया है, सूची दो में खेल दिया गया है, इसको भी सुमेलित करना है। इसमें पहला में दिया गया है अंगाखा कप गोल्फ, दूसरा में है उबेर कप फुटबॉल, तीसरा में है डुंडर कप हॉकी, चौथा में है राइडर कप बैडमिंटन। तो इसको भी सुमेलित करना है, तो अंगाखा कप का हो जाएगा हॉकी, उबेर कप का हो जाएगा बैडमिंटन, डुंडर कप का हो जाएगा फुटबॉल, राइडर कप का हो जाएगा गोल्फ। तो यह ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पहला है मोहिनी उत्तम, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है कथक ओडिसी, और तीसरा है कथकली, चौथा है मणिपुरी। तो ऑप्शन नंबर तीन ही जो है कथकली, ये केवल पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये पहला में है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बंगलुरु, और दूसरा में है राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, तीसरा में है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बंगलुरु में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जोड़ी लेखकों एवं ग्रंथ सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला दिया गया है सुनील गावस्कर क्रिकेट माई स्टाइल, दूसरा है हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री, तीसरा है डोमिनिक लेपियर मिथ ऑफ महात्मा, चौथा है मीनू मसानी द स्ट्रगल फॉर पीस। तो इसमें जो है सुमेलित, ये सुमेलित है, सेकंड सुमेलित नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। तो सुमेलित है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश करता है। पहला है संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरा में है मलेशिया, तीसरा में है कुवैत, चौथा में है बहरीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर टू मलेशिया करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी खेल मैदान और शहर दिया गया है। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन पहला में है ईडन गार्डनस कोलकाता, दूसरा में है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, तीसरा में है चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई, और चौथा में है ग्रीन पार्क कानपुर। सुमेलित, ये सुमेलित है, दूसरा भी सुमेलित है, तीसरा सुमेलित नहीं है, चौथा भी सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि इसमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला को क्या कहा जाता है। पहला डर्बी, दूसरा एसेज हार्किन, तीसरा हीरोज, चौथा एसेज। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फोर को इसका राइट आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है शब्द और अर्थ। तो पहला में दिया गया है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, दूसरा में दिया गया है फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, तीसरा में दिया गया है इंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, चौथा में दिया गया है आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो इसमें सुमेलित कौन कौन सा है, ये जो पहला सुमेलित है, दूसरा सुमेलित नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। तो सुमेलित है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आऊंगी, सॉल्व क्वेश्चन पेपर अगले जो नेक्स्ट ईयर का। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि
ताकि मेरे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।